हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण चौधरी आज आप लोगों को कुछ देने नहीं बल्कि आज आप लोगों से कुछ मांगने आया हूँ। देर इज़ अ स्टूडेंट जिसका नाम है रोहन सरकार। शायद आप लोग कुछ ग्रुप्स में उसके बारे में सुन रहे होंगे क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से उसके बारे में काफ़ी बातें जो है वो चल रही थी 2-3 ग्रुप्स के ऊपर। मैंने भी वो ग्रुप्स में जाके देखा और फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि क्या ये ऑथेंटिक वाली न्यूज़ है कि नहीं है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि रोहन सरकार नाम का एक बच्चा है जो कि एक CS स्टूडेंट है। जी हाँ, हमारी फ्रेटेंडी से वो बंदा बिलोंग करता है और चूंकि वो बंदा हमारी फ्रेटेंडी से बिलोंग करता है इसी वजह से आज मैं आपके सामने ये अपील कहीं ना कहीं लेके आ रहा हूँ। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो बात ऐसी है कि जो स्टूडेंट है रोहन सरकार नाम का, उसके बारे में 2-3 दिन से ग्रुप पे चल रहा था कि ये इंसान जो है वो कैंसर से पीड़ित है और इसके पास में वक्त बहुत कम है। अगर उसको ट्रीटमेंट जो है वो करवाना है तो तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए लग रहा है और उसके परिवार के पास में उतने पैसे नहीं है, उतना पैसा कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं कर पा रहा। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम सभी लोग, कौन सभी लोग, आप, मैं और हमारे पूरे के पूरे फ्रेटेंडी से जितने भी लोग बिलोंग करते हैं, फिर चाहे वो फैकल्टी हों, फिर चाहे वो मेंबर्स हों, फिर चाहे वो CS हो, हर एक मुसीबत के अंदर, फिर चाहे वो आपका कोरोना वाला काल था जिसमें कि हमारे पास में एग्ज़ाम फीस पे करने के लिए नहीं थी, या फिर उसके पहले कोई भी टाइम पीरियड रहा होगा जिसमें हमें एग्ज़ाम्स के पोस्टपोनमेंट की बात करनी थी, या कोई और प्रॉब्लम जिसमें कि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ में मिलजुल के खड़े रहे, तो क्या अभी फ़िलहाल जब हमारा एक इंसान, हमारी कम्युनिटी का, हमारे फ्रेटर्निटी का एक इंसान ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, तो क्या हमारा आज ये फ़र्ज नहीं बनता है कि हम उसकी भी हेल्प करें? राइट? तो आज मैं आप सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ 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 जितना हो सकता है उतना ही। मैं नहीं कहूंगा आपसे कि आप 10,000 रुपये दे दो, 20,000 रुपये दे दो या पूरे 22 लाख रुपये दो, नहीं। जितना कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, हो सकता है कि आप सिर्फ 100 रुपये का ही कंट्रीब्यूशन कर पाएं, या हो सकता है कि आप 10 रुपये का ही कंट्रीब्यूशन कर पाएं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं CA, CS और CM, ये तीनों लेवल पे अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं या फिर फैकल्टीज की बात करूं या फिर मेंबर्स की बात करूं, जिस तक भी मेरी ये आवाज़ पहुंच रही है, राइट, तो तकरीबन हम 3-4 लाख लोग हैं। छोड़ दीजिए 3-4 लाख लोग, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर ये बात 2 लाख लोगों तक भी पहुंच गई और सब लोगों ने अगर 10-10 रुपए भी कंट्रीब्यूट कर दिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 लाख लोगों ने 10-10 रुपए भी अगर कंट्रीब्यूट कर दिए, तो आप ये लगा लीजिए कि आराम से 20 लाख रुपए हो जाएंगे। बट एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि हमें बहुत जल्द एक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उस बंदे के पास में वक्त जो है ना वो बहुत ही कम वक्त है, 5-6 या 7 दिन ही उसके पास में, उसके ज़्यादा टाइम नहीं है, इतना ही टाइम उसके पास में। हाँ, दूसरी एक बात और भी आती है कि हम फेसबुक वगैरह पे या सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखते हैं जिसमें आपसे कहा जाता है कि अगर आप ये ऐसा करोगे तो किसी की ज़िंदगी बच जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि इस पर्टिकुलर खबर का ऑथेंटिकेशन जो है वो मैंने खुद ने चेक किया है, मैंने खुद ने देखा है, ये एक्चुअल में ये चीज़ है, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज एक ज़िंदगी जो है वो मौत से जूझ रही है। और बंदा भी एक ऐसा बंदा जिसका ड्रीम ये है कि उसको कुछ ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना है, ऐसा बंदा अगर चला जाएगा तो मुझे ये सही नहीं लग रहा, बराबर है। लेकिन हाँ, अगर हमारे थोड़े से कोशिश की वजह से अगर किसी की ज़िंदगी बच जाती है तो हम ज़िंदगी भर अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे। और बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से इस चीज़ को सोचिएगा, समझिएगा कि मैं आपसे बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जितना आपसे हो सकता है 10 रुपए भी काफी रहेंगे शायद। अगर दो लाख लोग जो हमारे फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, अगर वो 10-10 रुपए भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो 20 लाख रुपए हो जाते हैं। सामने वाले के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसे कहाँ कंट्रीब्यूशन करना है तो इसी वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे ऑप्शंस वहां पे दिए हुए हैं जहां पे आप पेमेंट कर सकते हैं, बराबर है। तो वहां जाके आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा, सबसे पहली बात, ये मेरी आपसे अपील है। दूसरी, मैं आज आपसे अपील ये करना चाहूंगा कि आप इस पर्टिकुलर इंसान के बारे में, नाम मैं आपको बता देता हूं, रोहन सरकार नाम है। नाम क्या है? रोहन सरकार नाम है। आप फेसबुक पे जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और बाकी ग्रुप्स वगैरह पे इसके बारे में काफी बातें जो है वो ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। तो
इस रोहन सरकार नाम के बंदे के लिए आप एक काम और भी करेंगे, वो ये है कि कुल मिला के 4 सोशल मीडिया है। सबसे पहला आपका फेसबुक, दूसरा आपका इंस्टाग्राम, तीसरा आपका स्नैपचैट और चौथा आपका व्हाट्सएप, राइट। तो ये चारों सोशल मीडिया पे मैं ये चाहूंगा कि इस बंदे के बारे में, इसकी हेल्प करने के बारे में अगर एक स्टोरी आप सिंपल डाल देंगे, जिसकी वजह से जितने भी आपके आसपास के लोग होंगे उनको भी इसके बारे में पता चलेगा और शायद वो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दे, राइट। तो ये भी उसके लिए एक बहुत ही अच्छे वाली हेल्प हो जाएगी, जिसमें कि पैसा अच्छा खासा उसके पास में आ जाएगा और शायद एक जिंदगी जो है वो अपने यहां पे बचा पाए, ठीक है। तो दो अपील मैंने आप लोगों से करी। सबसे पहली बात ये कि आपसे जो कॉन्ट्रीब्यूशन बन पड़ता है वो आप कर दीजिए। दूसरा, प्लीज 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 आप ये वीडियो को शेयर करें, ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपकी मर्जी है। आप चाहो तो यही वीडियो को भी शेयर कर सकते हो, या फिर बस मैं ये बोल रहा हूं कि आप उस बंदे के बारे में शेयर कर दो कि स्वयं सो बंदा है जो कि हमारी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता है, और जितने भी लोग हैं जो सीएस में होंगे, सीए में होंगे या फिर सीएमए के अंदर होंगे, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो यहां पर दे देंगे। ये रिक्वेस्ट आप कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और हमारी फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं वो प्राउड फील करेंगे एक दूसरे के ऊपर कि हाँ, हमने सब लोगों ने मिलकर एक जान जो है वो बचाई। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं कुछ और लोगों से यहां पे अपील करना चाहूंगा, वो है हमारी फ्रेटर्निटी के फैकल्टीज। सर, जब भी हमारे बच्चों के ऊपर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है, फिर चाहे वो एग्जाम्स को पोस्टपोन करने के बारे में हो, फिर चाहे वो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो है उसको पोस्टपोन करने के बारे में हो, फिर चाहे वो ओल्ड सिलेबस वालों के लिए एक और अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए अपील करने के बारे में हो, या फिर किसी भी और चीज के बारे में, हम सारे के सारे फैकल्टीज, पूरी फ्रेटर्निटी के जो फैकल्टीज हैं, हमेशा बच्चों के साथ रहे हैं और उसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर हमने बार 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 वीडियोस बना बना के अपील करी है आईसीएसआई से, और बच्चों को हमने यहां पे रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया है, यानी कि वी हैव ऑलवेज बीन देयर टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स। सर, एक बार और ये मैं सभी लोगों से अपील कर रहा हूं, सारी फैकल्टी से अपील कर रहा हूं कि एक बार और एक इंसान के लिए जो कि हमारे ही फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता है, एक वीडियो अगर बना के हम अपने अपने स्टूडेंट से अपील करेंगे तो शायद उस बच्चे की जिंदगी जो है वो बच जाएगी, शायद वो बच्चा आगे चल के अपना सीएस कंप्लीट कर लेगा और हम सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कह रहा होगा। तो हाथ जोड़ के मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फैकल्टीज हैं, जितने भी हमारे सीए, सीएस और सीएमए तीनों से बिलोंग करने वाले लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्लीज 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 रोहन सरकार नाम के इस बंदे की थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, जितनी आप कर सकते हैं। बस इतना ही आप सभी लोगों से मैं कहना चाह रहा था, इसके अलावा और कुछ नहीं। कहाँ पेमेंट वगैरह करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा का पूरा डिटेल जो है वो दिया हुआ है, तो वहां जाके आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो वेरी मच।